जन एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, परसों की वीडियो में हमने बात करी थी गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की, जहां पर हमने कावेरी इंजन के इनिशियल फ्लाइट रिलीज सर्टिफिकेशन की बात की थी और हमने ये बताया था कि आगे का प्रोसेस क्या होगा और अब कावेरी इंजन का कौन सा वेरियंट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है और ये कदम हालांकि उठाया तो काफ़ी पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर के एक जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है इसकी डिमांड करी है और आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन सा एयरक्राफ्ट है जिसको सेलेक्ट किए जाने की बात की गई है और कैसे पहले के जो अटेम्प्ट है वो क्यों फेल हुए, क्यों आज तक जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो हमें देखने को नहीं मिली और आगे क्या हो सकता है। क्या एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको नकारेगी या इस बार इसकी परमिशन मिल जाएगी, इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स को लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कावेरी इंजन के बारे में, जहां पर हमने आपको बताया था कि कैसे कावेरी इंजन प्रोग्राम अपने अंतिम दौर पर पहुंच रहा है सर्टिफिकेशन के और उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, हमने वहां पर उसको डिस्कस किया था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ें गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से सामने आई हैं और ये चीज़ें हालांकि हो तो बहुत पहले जाने चाहिए थी, लेकिन आज भी ये हमारे जेट इंजन डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक बड़े अवरोध के रूप में है, और वो है इंजन टेस्टिंग के लिए एक सूटेबल फ्लाइंग टेस्ट बेड का ना होना। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि कैसे गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने इसके लिए एक आंतरिक समाधान ढूंढ निकाला है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जेट इंजन डेवलपमेंट के लिए जितना ज़रूरी रिसोर्सेज को पाना होता है, जितना कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज को विकसित करना होता है, उतना ही ज़रूरी होता है उनकी टेस्टिंग फैसिलिटीज को विकसित करना, जहां पर हम अपने देश में बनाए गए इंजन की टेस्टिंग करते हैं। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि भारत में कावेरी इंजन को टेस्ट करने के लिए कोई भी फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं है और इसके लिए ये इंजन हमें रूस भेजना पड़ता था, जिसकी वजह से पैसा और टाइम दोनों काफ़ी ज़्यादा लगता था। अब ऐसा नहीं है कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने कभी भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई या कोई प्रपोजल सामने नहीं रखा गया। शुरुआत होती है 2000 के दशक से, जब पहली बार MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट की डिमांड की गई थी और ये कहा गया था कि इन एयरक्राफ्ट की सहायता से जो इंजन टेस्टिंग है वो किया जा सकता है। लेकिन इस प्रपोजल को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अनुमति नहीं मिली और बाद में गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने एक IL-76 एयरक्राफ्ट को खरीदने की बात की रूस के साथ, जहां पर इस एयरक्राफ्ट को इंजन टेस्टिंग के लिए कस्टमाइज किया जा सकता था और हम इसे फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि ये प्लान भी कभी भी मटेरियलाइज नहीं हो पाया और इसकी खरीद को भी मंजूरी नहीं मिली। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने इन सर्विस Sukhoi-30 MKI को मॉडिफाई करने की बात कही थी, जहां पर कावेरी इंजन टेस्टिंग इससे की जा सकती थी। लेकिन रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि Sukhoi-30 MKI की जो इंजन बे है वो कावेरी इंजन के लिए उतनी कंपैटिबल नहीं होती, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है और उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ते जो कि शायद फिजिबल ना होते। यही कारण था कि Sukhoi-30 MKI की भी जो मंजूरी है वो नहीं मिली। अब यहाँ पर एक बार फिर से गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने एक नया तरीका निकाला है, एक नए प्रपोजल के साथ वो भारतीय वायुसेना के पास पहुंचे हैं, जहां पर इस बार गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि अगर हम बाहर से एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकते तो क्यों ना इंडियन एयरफोर्स के जो इन सर्विस IL-76 एयरक्राफ्ट है इनका ही इस्तेमाल हम अपने इंजन टेस्टिंग के लिए करें। यानी वो IL-76 एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है उनमें से किसी एक एयरक्राफ्ट को चिन्हित किया जाए और उसको ही मॉडिफाई करके एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड हम इस्तेमाल कर सकें। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आने वाले कुछ ही वर्षों में दो बड़े इंजन प्रोग्राम हैं जो कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा पूरी किए जाएंगे। पहला होगा कावेरी इंजन प्रोग्राम और दूसरा होगा MKII का इंजन प्रोग्राम, और इसके लिए एक फ्लाइंग टेस्ट बेड की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का ये कहना है कि भारतीय वायुसेना के IL-76 एयरक्राफ्ट की सहायता से ये सारा काम पूरा किया जा सकता है। अगर हम इस प्रोग्राम के करंट स्टेटस की बात करें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से ये प्रोग्राम अभी बातचीत के एडवांस स्टेजेस में है, जहां पर गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इंडियन एयरफोर्स को कन्विंस कर रही है और इंडियन एयरफोर्स ने भी अपनी जो सहमति है रिपोर्ट्स के हिसाब से वो व्यक्त की है। अब यहाँ पर मान लीजिए है कि अगर ये बातचीत हो जाती है तो होगा क्या, एक IL-76 एयरक्राफ्ट को कस्टमाइज किया जाएगा, उसमें इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को ऐड किया जाएगा और फिर गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इस मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट की सहायता से जो हाई अल्टीट्यूड परफॉर्मेंस है इंजन की
उसको सही से मॉनिटर कर सकेगी, क्योंकि गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि उनका अभी तक का जो अनुभव रहा है रशिया के ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो अच्छा तो रहा है, लेकिन इसमें जो कॉस्ट आई है, जो टाइम है, वो काफ़ी ज़्यादा था। यानी कि हमें एक लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा, पहले इंजन को वहाँ पर ले जाओ, उसके बाद उसको फिक्स करो, फिर टेस्ट करो और वापस लाओ, इसमें काफ़ी समय बर्बाद होता है। और अगर भारत में ये फैसिलिटीज़ विकसित कर दी जाती हैं तो वो समय जो हम रूस में बर्बाद करते हैं उसको बचाया जा सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये चीज़ें अगर इतनी ही इम्पॉर्टेंट थी तो ऐसा हुआ क्यों नहीं। दोस्तों, ऐसा इसलिए भी हम कह सकते हैं नहीं हुआ, क्योंकि पहली बात तो ये है कि इस इंजन प्रोग्राम को लेकर के सही मायनों में अगर बात की जाए तो एक समय कोई गंभीर था ही नहीं। और हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि 2006 से लेकर के 2020 तक का समय तो ये था जहां पर ये तक अनुमान लगाया गया था कि शायद ये इंजन कभी वास्तविकता का रूप लेगा ही नहीं और ना ही कभी इसका हम प्रोडक्शन वेरिएंट देखेंगे। लेकिन बीच में गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने जिस प्रकार सबको गलत साबित किया, उसके बाद से अब उम्मीदें जगी हैं कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की जो बात है वो गंभीरता के साथ सुनी जाएगी और बहुत जल्दी जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ इसके लिए ज़रूरी है उनका विकास कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। अब कुछ लोग ये बोलते नज़र आते हैं कि हम क्यों ना तेजस के जो ओल्डर प्रोटोटाइप है उनका इस्तेमाल टेस्टिंग के लिए करें, या तेजस को हम एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करें। दोस्तों, तेजस एक सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है और हम यहाँ पर एक नए इंजन की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर इंजन में टेस्टिंग के दौरान कोई खराबी आती है तो उसका सीधा मतलब ये होगा कि हमें अपना पूरा का पूरा जो एयरक्राफ्ट है वो गंवाना पड़ सकता है। इसलिए सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करना थोड़ा रिस्की होता है। और ये बात खुद हम नहीं कहते बल्कि भारत के तमाम सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ने यही कहा है कि सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करना कहीं से भी सेफ नहीं है। और यही चीज़ गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। हालांकि अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो उम्मीद तो पूरी है इस बार कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को बहुत जल्दी जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है ये मिल जाएगा, क्योंकि भारत सरकार खुद अब इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के गंभीर है। और आपको पता होगा, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बयान हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान हो, सबने कई बार स्वदेशी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के बड़ी बातें की हैं। इसलिए उम्मीद जगी है कि आने वाले भविष्य में चीज़ें हमारे हित में होंगी। अब दूसरे इंजन मैन्युफैक्चरर्स को गौर से देखेंगे तो उन सब के पास उनका खुद का जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है वो मौजूद है। जैसे कि अमेरिका के पास तो इनकी भरमार है, रोल्स रॉयस के पास बोइंग का 747 जो एयरक्राफ्ट है वो इस समय एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड काम कर रहा है। और सैफरान की अगर आप बात करें तो सैफरान के पास राफेल का एक कस्टमाइज वेरिएंट है जिसको एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड वो इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी इंजन मैन्युफैक्चरर हैं सबके पास है, लेकिन भारत के केस में इन्हीं चीज़ों का अभाव है। लेकिन अब उम्मीद है कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का ये प्रयास अंतिम रूप को प्राप्त करेगा और ये कमियाँ हमारे द्वारा दूर कर दी जाएंगी। और ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं से जो आगे का मार्ग है वो प्रशस्त होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।